हेलो बच्चों, हम लोग वीडियो क्लास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जस्ट टाइम पास के लिए मत करना। जब भी आप वीडियो क्लास करते हो, नोट कॉपी लेके बैठ जाओ, डिटेल्स में लिखो, क्योंकि हमारे कोर्स एडवांस हो रहा है, ठीक है। और मैं सारा छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें करा रहा हूँ, आप वो सारा न्यूमेरिकल को भी साथ साथ करो। जब मैं बोलता हूँ कि पॉज लगा के ट्राई करो, तब पॉज लगा के ट्राई भी करते रहना, ठीक है। तो फुल कोऑपरेट, फील दैट यू आर इन द क्लासरूम, अकॉर्डिंगली करोगे तब भी जाके कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। डोंट डू इट ओनली फॉर नॉलेज सेक, डू इट फॉर प्रैक्टिस, फॉर लर्निंग, ठीक है। नोट्स भी प्रॉपरली बनाते रहना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म, इससे पहले कौन सा फॉर्म पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे ग्राफिकल फॉर्म। वैसे देर आर 13 डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि हम लोग इसमें से तीन पढ़ेंगे। पढ़े एक ग्राफिकल फॉर्म, दूसरा हुआ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तीसरा पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये तीन चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है? तो वी राइट इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। डोंट वरी, ये कैप वाला क्या है, आई कैप, जे कैप, एफ एक्स, एफ वाई क्या है, सब समझ लो। एफ एक्स क्या हुआ? एफ एक्स इज कंपोनेंट ऑफ एफ इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रहे, पॉजिटिव एफ एक्स एक्स एक्सिस। सिमिलरली क्या बता सकते हो, एफ वाई क्या होगा, क्या होगा बताओ? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आई कैप, ये कोई चीज, एक सिंबॉलिक चीज है, एक सिंबल है। इसको कैसे पढ़ते हैं? आई कैप पढ़ते हैं, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है इन द डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या होता है? इट इज इन द डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब अगर कोई वेक्टर हमें ऐसे दिया गया है, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है एफ, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे दिखाए हैं, चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जानते हो कि एफ एक्स है, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हेड से टेल से, जो मिला वो एफ एक्स हुआ, ये हो गया एफ एक्स इन द डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? क्योंकि हेड का शेडो यहां पे आ रहा है, टेल यहां पे आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, शेडो ऑफ द हेड इज कमिंग हियर, आई कॉल इट एफ वाई। सो वेक्टर एफ कैन आल्सो बी रिटन एज एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के। लिटरली क्या मीनिंग हुआ? वेक्टर एफ इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। जैसे जैसे समझाने के लिए बोलता हूं कि सपोज कोई आदमी ऐसे गया है, कोई डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग पहले भी एग्जाम्पल ले चुके हैं, और ये हो गया उसका y एक्सिस को पैरेलल होता हुआ कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट सपोज ये है 60 और ये हो गया x एक्सिस, तो
और ये कंपोनेंट हो गया मान लो 80, तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट अगर किसी को ये आदमी जहां पर गया वहां पर जाना है, यहीं से शुरू करके जाना है, तो या तो वो 100 मीटर इन द डायरेक्शन या इन दिस डायरेक्शन जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट ना कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट इज 80 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 60 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब एक्स डायरेक्शन में 80 मीटर जाओ और फिर वाई डायरेक्शन में 60 मीटर जाओ, उसके पास पहुंच जाओगे। तो यहां से कोई आदमी यहां पर गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जानने की हमारे पास दो तरीके होंगे, 100 इन दिस डायरेक्शन और हिज डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज 80 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 60 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर जैसे दिख रहा है ना 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है क्योंकि दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब कोई वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं तो उसे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं अगर कहूं कि यहां पर एक ब्लॉक रखा है और आपको कहा गया पुश दिस ब्लॉक, आप बोलोगे सर पुशिंग इज ए फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर, टेल अस वेक्टर इज, तो मैं कहूंगा कि ठीक है यू पुल दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। हाँ, तो आपको मैग्नीट्यूड भी दिख गया और डायरेक्शन भी दिख गया, तो ये हुआ ग्राफिकल फॉर्म। लेकिन सपोज यू वांट टू कमांड ए पर्सन हु इज नॉट क्लोज टू यू, आप उसको बताना चाहते हो, कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि ठीक है ये जो वेक्टर है, आप सपोज आप कहोगे कि पुश दिस ब्लॉक विथ ए फोर्स 3i cap + 4j cap, मतलब ऐसा पुश करो कि एफ का एक्स कंपोनेंट होगा 3, वाई कंपोनेंट होगा 4, कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा 3, कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा 4, ऐसा पुश करो अगर कहा गया तो। फिर आप सोचोगे कि कितना जोर से पुश करेंगे, किस डायरेक्शन में पुश करेंगे। सोचो कि अगर ये चीज हमारा एफ एक्स है और ये चीज हमारा एफ वाई है और आप जानते हो कि दिस इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, आप अगर एफ एक्स और एफ वाई दिया गया है, कोई वेक्टर अगर ऐसे दिया गया है उसमें से आपको एफ एक्स और एफ वाई मिल गया, तो आप क्या कहोगे, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इट इज कमिंग आउट टू बी एफ वाई का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर होल डबल, एफ वाई का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर होल डबल। मतलब अगर आपको कोई कहता है कि इस ब्लॉक को पुश करो इस फोर्स से, तो आप कितना जोर से पुश करोगे, पुश करोगे विद ए फोर्स 3² + 4² ^2 दैट इज 5, इतने जोर से पुश करोगे। समझ में आ रहा, इसका मतलब जब भी कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हम उसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन जानने के लिए हम देख सकते हैं ना ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, डायरेक्शन बताने के लिए सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है। आप क्या कह सकते हो, टान थीटा, टान थीटा कितना होगा भाई, एफ वाई बाई एफ एक्स, लुक एट दिस ट्रायंगल इट इज एफ वाई बाई एफ एक्स। तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एफ वाई एंड एफ एक्स यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल इट इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, गिवेन वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5i cap + 5√3j cap, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो तो 25 + ये 5 का स्क्वायर हो गया 25√3 का स्क्वायर हो गया 3, 25 × 3 कितना हुआ, ये हो गया 25, ये हो गया 75 + 75 = 100 √10। डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, दी यार अगर देखेंगे व्हाट इज टान थीटा, देखो तो टान थीटा इज एफ वाई बाई एफ एक्स,
और एफ वाई का वैल्यू क्या दिया है, 5√3। एफ एक्स का वैल्यू 5 कितना हो गया, √3। मतलब थीटा क्या है, 60 डिग्री, टान 60√3 होता है। तो हम क्या कहेंगे, एफ मेक्स एन एंगल एन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या, एफ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप सोच रहे हो कि ये ग्राफिकल फॉर्म इतना आसान था, इसमें ये फॉर्म में तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो फिर क्यों ये फॉर्म सीखेंगे। देखेंगे ये उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में उसका यूटिलिटी ज्यादा है। यूजेस क्या है, सपोज मैं इसको मिटाता हूं, अभी आप लोग लिख लिए, ओके। जैसे आपको अगर कहा गया, छोटा सा क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि इफ एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 3ik + 4jk, बी इज इक्वल टू से 5ik + 2jk, निकालो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस। अब ये निकालना काफी आसान है, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे व्हाट इज ए प्लस बी, जब a के साथ b को जोड़ेंगे, दिस इज 3i कैप, दिस इज 5i कैप, मिलके हो गया 8i कैप, ये 4j कैप, ये 2j कैप, मिलके हो गया 6j कैप। अगर कोई पूछा a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानने के लिए क्या करेंगे, करेंगे क्या, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल नंबर कितना हुआ, 10। तो ऐसा दो वेक्टर का सम निकालना आसान हो जाता है, एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन भी आसान हो जाता है, जस्ट जैसे एडिशन किए वैसे सब्ट्रैक्शन भी करो। समझ में आया ना। चलिए मैं आपको और एक तो एग्जांपल करवाता हूं, ताकि आपको ये जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। इस मेथड में दो वेक्टर को एड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वो सारा आसान बन जाता है। ध्यान रहे कि वेक्टर का डिवीजन अभी तक डिफाइंड नहीं है, अगर दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हैं, उनको कैसे डिवाइड करेंगे, अभी तक डिफाइंड नहीं है। पोलर फॉर्म में करते हैं, लेकिन हम लोग का जो तरीका है उसमें से डिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सपोज मैं आपका और एक केस देता हूं, केस वेक्टर दिया है ए, कितना दिया है 2ik + से इट इज गिवन समथिंग लाइक से 14ik + से इट इज कमिंग आउट टू बी 8jk। वेक्टर बी दिया है क्या, वेक्टर बी दिया है ओनली ik + 3/2jk, फाइंड a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड। कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे a क्या है 14ik + 8jk, फिर लिखेंगे 2b, 2b तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2ik + 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3jk। नाउ a माइनस 2b कितना हो जाएगा, a से 2b को माइनस करो, इससे इसको माइनस करो तो हो जाएगा 12ik, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5jk। अब a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड कितना है पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 25 दैट इज 169 रूट ओवर दैट इज 13। तो a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब हम तब कर पाएंगे जब हमें ये वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है।
अगर वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो पहले क्या करेंगे हम, इसको ग्राफिकल फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसका यूजेस कर पाएंगे। इधर क्लियर, समझ में आया? तो अभी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में भी हम देखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर फ्रॉम ग्राफिकल फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं कि अगर हमें कोई वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्शन प्रोसेस को देखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि हर जगह ऐसे ही मिलेगा, मैकेनिक्स में तो ज्यादातर जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, कहेंगे कि क्या देखेंगे हम लोग, कन्वर्शन फ्रॉम ग्राफिकल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, ग्राफिकल टू रेक्टेंगुलर, चलो ऐसे ही छोड़ते, ये रेक्टेंगुलर करते हैं। सपोजिंग हमें कोई एक वेक्टर दिया गया है ऐसे, और ये कोई वेक्टर ऐसे दिया है, नाम इसका एफ है, मैग्नीट्यूड इसका 20 है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है और हमें इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो हमें वेक्टर को कैसे लिखना पड़ेगा, एफ एक्स आई के एफ वाई जे के। ये जो एफ एक्स है क्या था डेफिनेशन इसका, क्या था इसका एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और हमें तो मालूम है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड द डायरेक्शन। तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्या आप बता सकते हो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, 30 डिग्री। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 20, सो राइट इट इज 20 cos 30, और cos 30 होता है √3/2, वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, cos 30 होता है √3/2, 20 × √3/2 कितना हो गया 10√3 हुआ ना, तो ये हो गया fx। ये जो fx हम लोग निकाले, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, देखो तो हेड इज हियर, टेल इज हियर, यस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव, तो हो गया पॉजिटिव। सपोज fy निकालेंगे, fy क्या है, कंपोनेंट ऑफ f अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, क्या ये वेक्टर पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, हां है, क्योंकि हेड का शैडो यहां पे आ रहा है, टेल का शैडो यहां पे आ रहा है। अच्छा ऐसा है तो लिखेंगे प्लस एफ कॉस थीटा, एफ क्या है, एफ तो 20 है, यहां पर थीटा क्या लेंगे, क्या लेंगे, हम तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं वाई एक्सिस में ना, तो क्या बता सकते हो ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सो 20 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, तो 20 × 1/2 बन गया 10। तो हम क्या कहेंगे, ये जो वेक्टर हमें दिख रहा है ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर इज गिवन बाय कितना 10√3 आई के प्लस 10 जे के, बन गया जो वेक्टर हमें दिया गया था वो ये वेक्टर है, समझ में आया। चलिए हम थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स ओनली कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका नेसेसरी थ्योरी मालूम है, दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन पार्ट। नाउ आई वांट टू चेंज द केस, आई वांट टू सी ए केस लाइक दिस, हियर इज ए वेक्टर व्हिच इज से एफ से दिस इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री लाइक दिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो पहले लिखेंगे एफएक्स। एफएक्स क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, बस देखना है कि इसका कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है क्या, हाँ है, हेड इज कमिंग हियर, टेल इज कमिंग हियर, यस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या लेंगे पॉजिटिव, वैल्यू लिखेंगे तो हाँ वैल्यू तो दिया ही नहीं, मान लो वैल्यू दिया है 50, तो एफ का मैग्नीट्यूड हो गया 50 × cos
व्हाट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, हम निकाल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड एक्स एक्सिस, दिस एंड एक्स एक्सिस मतलब ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री तो cos 60 होता है 1/2, 50 into 1/2 हो गया 25। Now FY, आए कोई भी कंपोनेंट निकालो, फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी है, सो इट इज सिग्मा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f cos थीटा अगेन, लेकिन देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं क्या ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस है, नहीं तो देखो तो हेड का शैडो तो यहां पे आ रहा है, टेल या आ रहा है, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, नो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, जैसे हम बोल रहे थे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज 60, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट क्या होता था, -60, तो हम देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हमें तो चाहिए एफ वाई, वो क्या होता है, होता है कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और वैल्यू डाले, वैल्यू डाले तो f के जगह 50 विथ ए माइनस साइन cos, अब क्या लिखेंगे, थीटा क्या लेंगे, y कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस कितना हुआ, ये इट इज 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, और वैल्यू क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, अगर ये √3/2 हुआ -50 इंटू √3/2 दिस कम्स आउट टू बी -25√3, तो आप कहोगे जो हमारा वेक्टर है वो क्या है 25 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड -25√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, कभी कभार हम लोगों को खुद को चेक करना लेना चाहिए हमारा ठीक है कि गलत है, कैसे हम जानते हैं कि जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 25 का स्क्वायर प्लस 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 -25√3 का स्क्वायर फोर डबल, देखो तो कितना आ रहा है 625 प्लस, ये कितना होगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 25 का हो गया 625, √3 का स्क्वायर हो गया 3, नहीं ये कितना हो गया, देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू इट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 times 625 and 625 is 4 times 625 का रूट ओवर, अब रूट ओवर निकालो तो 4 का रूट ओवर 2 है, 625 का रूट ओवर 25 है, और ये क्या बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इट इज कमिंग 50, अरे हाँ ये तो दिया, हम लोग सही किए कि नहीं खाली चेक कर ली, सो व्हाट यू फाइंड the vector is given in rectangular form, दिया गया था हमें graphical form में, हम इसको convert कर दिए rectangular form में, क्या आपको आसान लगने लगा है, ऐसा चीज आप लोग कर सकते हो, तो चलो अभी और कुछ questions कर लेते हैं, लेकिन आप लोग पहले try करना फिर मैं करूँगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, okay, practice makes a man perfect टू ओमेन ऑल्सो, ये नहीं कि हाँ मैन को परफेक्ट करता है ओमेन को नहीं करता है तो हम लोग थोड़ा ढीला मार सकते हैं, सबके लिए है, प्रैक्टिस इज इनएविटेबल, नाउ सी हमें ये सारा चीज को कन्वर्ट करना है, हम दे रहे हैं ये एक वेक्टर है, चलो मानते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है जिसका नाम एफ ही रखते हैं और मैग्नीट्यूड 100 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर कुछ दिखने में ऐसा है और कितना है, चलो मानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है 50√2, नाम क्या है f, और क्या दिया है कि सपोज इट इज मेकिंग 45 डिग्री, ठीक है, ये कोई एक तीसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा है हमें पता करना है, और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा दिया है, ये दिया है 6 और ये दिया है 8, ये सारा वेक्टर का नाम एफ है और इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है,
तो शुरू हो जाते हैं पहला वाले से। यहां से शुरू, पहला वाला का केस में रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे फिक्स। ए फिक्स इज व्हाट बाय फॉर्मूला इट इज एफ कॉस थीटा। बस ध्यान से देखना है कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन द कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव कब लेंगे? व्हेन द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। टू सी द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर एंड वी सी द शैडो ऑफ द हेड इज कमिंग समवेयर हियर। है ना? तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ कि नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो माइनस एफ का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 cos व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज 60, सो इट इज कमिंग आउट टू बी cos 60 इज 1/2। माइनस 100 इनटू 1/2 इज माइनस 50। FY निकाल के देखेंगे। आप लोग पहले बताओ, फॉर्मूला तो है इसका F cos थीटा, सब जानते हैं। बताओ ये वेक्टर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहां से यहां से। हेड से शैडो विल बी हियर, टेल से शैडो विल बी हियर, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो लेंगे पॉजिटिव, कितना लेंगे? F इज 100 cos थीटा। क्या है एंगल ऑफ एफ विथ व्हाट? विथ व्हाट यू आर फाइंडिंग वाई कंपोनेंट? विथ वाई एक्सिस। अच्छा, ये वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ 60 कर रहा है तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा? 30 डिग्री करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 60 हुआ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 होता है √3/2। √3/2 तो 100 इंटू √3/2 इज कमिंग आउट टू बी 50√3। तो हमारा जो प्यारा वेक्टर था वो क्या बन गया? -50 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 50√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द वेक्टर। नाउ थिंक फॉर दिस वन, आई वांट टू राइट दिस वेक्टर। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा एफ एक्स। बताना आपको है, फॉर्मूला मैं बताता हूं, आप बताना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो तो इसका इस कंपोनेंट पॉजिटिव दिखेगा कि नेगेटिव दिखेगा? हेड इज हियर, टेल इज हियर, इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो वी राइट माइनस। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50√2। मैग्नीट्यूड तो ऐसे दिया है, 50√2 इनटू cos, क्या एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ? अरे ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, वाई के साथ 45 डिग्री कर रहा है, तो एक्स के साथ क्या करेगा? वो भी 45 डिग्री करेगा। और cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 करो तो √2 को खा जाएगा, क्या मिलेगा? -50। FY बताओ, फॉर्मूला तो कहता है कि एक है हमारे पास, सबका मालिक एक है, सबका फॉर्मूला एक है। ये F cos थीटा है, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? जल्दी जल्दी दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है, और बताओ कि हेड इज कमिंग हियर, टेल इज हियर, द वेक्टर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो टेक इट नेगेटिव। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लिखे वैल्यू अभी, माइनस एफ का मैग्नीट्यूड कितना था? 50√2। थीटा कितना था? क्या है थीटा? थीटा इज एंगल, एंगल ऑफ वेक्टर एफ विथ व्हाट? विथ, बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग वाई कंपोनेंट, विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस साथ क्या एंगल करेगा? अगर तो दिया है कि वाई एक्सिस साथ 45 डिग्री कर रहा है, cos 45। और cos 45 कितना होता है? cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 इंटू 50√2, √2 को खा गया, मिला -50। मतलब ये जो हमारा प्यारा वेक्टर है, इट इज -50 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -50 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट वाले बताइए। ये नेक्स्ट वाले में बताओ कि ये वेक्टर है, इसका एफएक्स निकालेंगे। अच्छा, ये वेक्टर कैसे दिख रहा है? देखो तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री करता है, और आपको मालूम है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा इस वेक्टर के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 8 cos 90। पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे जीरो है तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब बनता है कि नहीं? FY, अच्छा ये जो वेक्टर है, ये FY के लिए फॉर्मूला तो डालेंगे F cos थीटा, लेकिन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? अरे जल्दी बताओ, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। F का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। और ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? पैरेलल है भाई, पैरेलल है, तो 0 एंगल कर रहा है। cos 0 कितना हो गया? 1। FY इज 8। दिस वेक्टर नाउ कैन बी रिटन एज
जीरो आई के प्लस 8 जे के, आप चाहो तो ओनली 8 जे के लिखने से भी चलेगा, ठीक है, ओनली जे के लिखो भी तो चलेगा, समझ में आ रहा है। अब ये आपकी बारी है बताने का, दिमाग का बत्ती जलाओ, बताओ एफिक्स ए कॉस थीटा पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, हेड इज कमिंग हियर, टेल इज कमिंग हियर, हेड से शैडो हियर, टेल से शैडो हियर, सो नेगेटिव क्योंकि इट इज इंडिकेटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एफ का वैल्यू कितना है 6, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, पैरेलल है तो cos 0, cos 0 कितना हो गया 1, सो इट इज -6। व्हाट इज एफ वाई, दिस वेक्टर इज क्लियरली लुकिंग इट इज पैरेलल टू आई परपेंडिकुलर टू आई एक्सिस, फॉर एनी वेक्टर इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन द कंपोनेंट बिकम्स 0, दैट मींस द वेक्टर वी सी हियर इज -6 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 0 जे के, और यू कैन से -6 लाइक ए। समझ में आया, ठीक है, समझ गए हो तो लिखो, इसको लिखो, आप पॉज लगा के लिखो, मुझे और एक थोड़ा सा चीज बताना है इसमें, हो गया, ठीक है, पॉज लगाओ। अब देखो ये भी याद रखना, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं जो अभी जरूरत में आएगा। इतना सारा चीज बनाने के बाद नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस, सपोज हियर इज ए वेक्टर, ये वेक्टर को ऐसे दिया गया है, नाम क्या है एफ, क्या दिया है उसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दिया है एक्स टू वाई टू ऐसे करके, ये क्या कोऑर्डिनेट है, सुनो ये दिया है एक्स वन वाई वन, पूछा है बताओ वेक्टर एफ को कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप सोच रहे होगी थीटा निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो हमें चाहिए क्या प्रैक्टिकली, हमें तो चाहिए सिर्फ इसकी कंपोनेंट्स, fx और fy से हमें मतलब है भाई, fx और fy से। अच्छा अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है x1 की y1 x1, अच्छा ये पॉइंट अगर x2 y2 है, ये कितना है x2, सिमिलरली ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना है y1, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा अगर हम कहेंगे ये पॉइंट x2 y2 है, तो ये हो जाएगा y2। तो क्या हमें क्लियरली दिखने लगा कि व्हाट इज माय x कंपोनेंट एंड व्हाट इज माय y कंपोनेंट, ये हो गया हमारा fx और ये हो गया हमारा fy। तो क्या बता सकते हो आप fx यहां पर क्या होगा x2 minus x1, और fy क्या हो जाएगा पूरा है y2, ये है y1, y2 minus y1, मतलब अगर हम कहेंगे वेक्टर क्या है तो हम लिखेंगे x2 minus x1 i k plus y2 minus y1 j k, है कि नहीं। अच्छा अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यू नो दिस लेंथ, बट दिस लेंथ क्या है, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल रूट ओवर, अरे यही तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर ये डिस्टेंस फार्मूला है तो फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द मैग्नीट्यूड, समझ में आया। तो क्या याद रखना है, इफ ए वेक्टर हैज इट्स हेड एट x2 y2 एंड टेल एट x1 y1, देन द वेक्टर इज गिवन बाय x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, हेड minus टेल i cap, हेड minus टेल j cap, ये ध्यान रखना, समझ में आया, बढ़िया से लिखो इसको, इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ओके। तो समझ में आया कि नहीं, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा भाई, सम न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन, ए अस्यूम ग्राउंड टू बी अलोंग एक्स वाई प्लेन, मतलब जमीन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इमेजिन करो, ए ब्लॉक ऑफ 4 केजी इज केप्ड ऑन ग्राउंड, टू फोर्सेस 6i का
8ik प्लस 2jk न्यूटन एंड इसको चलो F1 कहते हैं एंड F2 इज इक्वल टू से माइनस 2ik प्लस 6jk न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो ठीक है भाई कर सकते हैं कि ये फोर्स F1 है जो दिया गया है 8ik प्लस 2jk ये F2 है दिया गया है कितना माइनस 2ik प्लस 6jk और बताओ अभी अगर हमें निकालना है नेट फोर्स दो तो फोर्स आ रहे हैं ना तो नेट फोर्स क्या होगा F1 प्लस F2 है ना तो फिर नेट फोर्स क्या हो गया देखो तो इट इज 8ik प्लस 2jk माइनस 2ik प्लस 6jk इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6ik 2jk प्लस 6jk 8jk तो मिल गया तो नेट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल रूट ऑफ निकालो तो 36 प्लस 64 होल रूट ऑफ दैट इज 10 न्यूटन अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास है ना तो इट इज 10 न्यूटन बाय मास कितना दिया था ब्लॉक का मास दिया था 4 केजी बाय 4 कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझ में आया लिख लो दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको पॉज लगा के लिखो मैं मिटा दूंगा इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज से समथिंग लाइक 1 meter per second ठीक है ए मैन स्विम्स इन रिवर इन ए डिरेक्शन 45 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो विथ ए स्पीड 3/2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ठीक है फाइंड हाउ फार ही गोज इन 10 सेकेंड्स कितना दूर जाएगा थोड़ा क्वेश्चन को देखो देखने से बड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब करेंगे तो बहुत आसान लगेगा क्योंकि हम लोग सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारा चीज समझ समझ के कर रहे हैं ये है एक रिवर ये रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसा है कोई फ्लो ऐसे हो रहा है कितना 1 meter per second आर्मी कैसा स्विम किया आर्मी स्विम किया विद स्पीड 3/2 meter per second एट एन एंगल 45 डिग्री तो आर्मी ऐसा करके स्विम करने लगा क्या था उसका स्पीड 3/2 दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ठीक है और ये एंगल कितना था दिया है 45 डिग्री वो आर्मी कितना दूर जाएगा देखो अगर पानी में फ्लो नहीं होता अपना स्पीड के चलते कुछ दूर जाता अगर मान लो स्विम नहीं भी करता फ्लो के चलते कुछ दूर चलता अब तो दोनों वेलोसिटी है हमें देखना पड़ेगा नेट वेलोसिटी वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे चलो हम लोग अस्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, इसको अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज इन द डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज इट्स कंपोनेंट इन द डिरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस? बिकॉज वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा ओनली वन इन द डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वीएम क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ ये भी तो ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, क्या बता सकते हो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट होगा 3√2 cos, क्या एंगल कर रहा है 45, cos 45 कितना होता है? इट इज जो भी होता है दैट मच आई कैप प्लस, इसका वाई कंपोनेंट में सीधा सीधा लिख रहा हूं वीएम, ऐसे लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। वीएम का एक्स कंपोनेंट आई कैप, वीएम का वाई कंपोनेंट जे कैप। वीएम का एक्स कंपोनेंट कितना होगा 3√2, क्या एंगल कर रहा है इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, क्या ये पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में है? हाँ, इसका हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन पे। कितना लिखे 3√2 cos 45 आई के प्लस वीएम वाई, इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हेड यहाँ पे आएगा, टेल यहाँ पे आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा। कितना 3√2 cos, ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये भी तो 45 है, तो जे कैप। अब cos 45 कितना हुआ 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई टू 2 इज कैंसिल्ड आउट, इट इज कमिंग 3i कैप। सिमिलरली इधर भी आ रहा है 3j कैप। समझ में आया क्या? अब हमें निकालना है नेट वेलोसिटी क्या होगा। नेट वेलोसिटी क्या होगा? ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो के चलते कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन का भी कुछ वेलोसिटी है, दोनों को जोड़ो तो सीधे सीधे लिखेंगे, स्पेस कम है यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 3+1 हो गया 4i कैप, 3j कैप, इधर तो कुछ नहीं है, j कैप कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 3j कैप। तो फिर नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। कितना हो जाएगा 4² 3² √5 नेट वेलोसिटी और द स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये सब मीटर पर सेकेंड था, ये सब मीटर पर सेकेंड था। यूनिट भूलना मत, स्कूल वाले तो वेट करके बैठे हैं कहां से मार्क काटेंगे। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3i कैप + 3j कैप मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया वी नेट, हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस मूव्ड इन 10 सेकेंड कितना होगा भाई? उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, नेट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, विल बी 5 × 10 कितना हो गया 50 मीटर पर मीटर। सो इन 10 सेकेंड्स हाउ फार ही विल गो, ही विल गो 50 मीटर, ठीक है। लिख लो लिख लो, ठीक है आप लोग इसको कर लिए। तो अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ए वेक्टर एफ और ए इज इक्वल टू 6i kr + 8j kr was rotated about its tail, rotated about its tail till it indicates direction of positive y-axis. What is the new vector? What is new vector? ठीक है,
तो क्या दिया है, कोई एक वेक्टर दिया था 6i cap 8j cap, ये था वेक्टर, कितना 6i cap 8j cap, क्या नाम था इसका, नाम इसका था A, जैसे आपका नाम T2V2M2 होता है, इसका नाम था A। बोला है कि ये वेक्टर को रोटेट किया गया, कैसे रोटेट किए, इसको रोटेट किए अबाउट द टेल, टेल में रोटेट किए, ऐसे था टेल में रोटेट किए, कैसे रोटेट किए, कब तक रोटेट किए, टिल इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा हो गया, मतलब ये घूम गया, घूम के ऐसा हो गया। पूछा है ये जो नया वेक्टर है ए न्यू, ये वेक्टर क्या है, पहले बताओ इसको घुमा देने से वेक्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। वेक्टर के पास तो दो ही चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, नहीं तो वेक्टर बदल गया कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड बदल गया या फिर डायरेक्शन बदल गया, दोनों में से कोई एक बदल जाएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा, दोनों बदल गए तो भी वेक्टर बदल जाएगा। घुमा देने से क्या बदल गया, देखो तो मैग्नीट्यूड बदल गया कि डायरेक्शन बदल गया, क्या बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, लेंथ तो जितना था एरो मार्क उतना ही रह गया, तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, नहीं क्या था मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या था, क्या था, इट वाज 6i cap + 8j cap का मैग्नीट्यूड 6² + 8² आप लोग स्मार्ट हो, मैं सीधा लिख दिया 10। तो क्या बता सकते हो ए न्यू वेक्टर का क्या होगा वैल्यू, ये वेक्टर भी तो मैग्नीट्यूड 10 का है, अगर ये 10 का था तो ये भी 10 का है, बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या करेंगे इसका x कंपोनेंट क्या होगा, अरे इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद x एक्सिस, 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो x कंपोनेंट हो गया 0, वैसे भी कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, और y कंपोनेंट क्या होगा, ये तो अलोंग y एक्सिस, अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, 10 j के, सो नया वेक्टर बिकम्स 0i k + 10j k, समझ में आ रहा है ना, देखो 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 करते जाओ, निम्नलिखित करते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट 4, 3 एंड अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 12i cap + 6j cap, फाइंड अ मीटर, फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ मैन, क्या दिया है, कोई आदमी चलना शुरू किया कोई एक पॉइंट से, कौन सा पॉइंट से, 4, 3 से, कैसे गया, ऐसे गया, कितना गया, दिया है s गया है, s का वैल्यू दिया गया है, तो फिर अभी आके कहीं पहुंचा होगा, बताओ जहां पे पहुंचा वो क्या है, क्या आप इसको बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, हम लोग तो ऐसा पन्ना डबल पढ़ चुके हैं, अभी उसका फाइनल कोऑर्डिनेट चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद अगर वो x2 y2 वाला पॉइंट में पहुंचा तो उस पॉइंट का वैल्यूज क्या है, x2 और y2 का वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि हियर ए शोन इन फिगर s क्या होना चाहिए, हेड माइनस टेल i के, x2 - 4 i के, y2 - 3 j के, है कि नहीं, लेकिन दिया गया है s का वैल्यू दिया गया है, सो इसका मतलब हुआ x2 - 4 i cap + y2 - 3 j cap इज इक्वल टू कितना है 12i cap + 6j cap, नाउ कंपेयर x2 - 4 इज इक्वल टू 12, सो x2 = 16, कंपेयर y2 - 3 इज इक्वल टू 6, तो y2 = 9, सो ही इज फाइनल
पोजीशन विल बी एट, कहा x2 y2 दैट इज 16 9। समझ में आया क्या? फाइनल कोऑर्डिनेट हम पता कर लिए। समझ में आ रहा है? ऐसी करके रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूजेस आएंगे आगे आगे, आप देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीजें होगा। ठीक है, बस और छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 4 आईके प्लस 3 जेके मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 2 आईके माइनस जेके। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 2 आईके माइनस जेके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद स्पीड चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हमें यू दिया गया है कितना, 4 आईके प्लस 3 जेके। ए दिया गया है कितना, 2 आईके माइनस जेके, है ना? ये मीटर पर सेकेंड था और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ऐसे करके दिया हुआ है। आफ्टर टी सेकेंड्स और आफ्टर टी सेकेंड्स भी क्या होता है भाई, फॉर्मूला तो मालूम होगा, यू प्लस ए टी। टी कितना दिया है, टी गिवन 2 सेकेंड्स, तो डालो वैल्यू, भी कितना हो जाएगा, यू यू हो गया 4 आईके प्लस 3 जेके प्लस यू टी, हाँ ए टी, टी तो है 2 इंटू ए, ए कितना है 2 आईके माइनस जेके, कितना हो गया ये देखो तो 4 आईके, ये 4 हो गया 8 आईके, ये प्लस 3 जेके माइनस 2 जेके हो गया जेके मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला हमें, मिला वेलोसिटी, लेकिन पूछा क्या है भाई, वेलोसिटी नहीं पूछा है, पूछा है स्पीड। तो आप कहेंगे स्पीड क्या होता है, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज 65 रूट ओवर मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स विल बी रूट ओवर ऑफ 65 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इतना सीख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। ओके।